दोस्तों, पहले मैं आपको इस बोर्ड का कनेक्शन बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। देखिए, इस बोर्ड में जो है एक इंडिकेटर और एक स्विच है, तो मैंने दोनों के पिन को शॉर्ट कर दिया। ये देखिए, एक स्विच और एक इंडिकेटर है, तो मैंने इन दोनों के ऊपर वाले पिन को शॉर्ट कर दिया और यहाँ से एक तार बाहर निकाल दिया। ये हमारे इस बोर्ड का जो है फेज सप्लाई का तार हो गया। अब इस इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में बाहर से न्यूट्रल सप्लाई का तार आया है, तो मैंने यहाँ से दोनों सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दिया और दोनों सॉकेट के एल वाले पिन के तार को मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड वायरिंग में न्यूट्रल और फेज के तार को एक ही कलर का लिया है। सेम इसी तरह से मैंने इस वाले बोर्ड का भी कनेक्शन किया है। दोस्तों, एक ही कलर के तार से ही मैंने इन दोनों बोर्ड का वायरिंग किया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। मेरे इस चैनल पर बोर्ड वायरिंग का बहुत सारा वीडियो है दोस्तों, तो मेरे बोर्ड वायरिंग के वीडियो में सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है वह तार के कलर को लेकर आता है। कोई कमेंट करता है कि क्या मैं फेज के पिन में लाल तार के जगह पर काला तार का कनेक्शन कर सकता हूँ। कोई कमेंट करता है कि क्या मैं न्यूट्रल के पिन में काला तार के जगह पर पीला तार का कनेक्शन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कमेंट करने वालों को यह बता देना चाहता हूँ कि तार के कलर से कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे जिस भी कलर के तार से बोर्ड का वायरिंग कीजिए, आपको उस बोर्ड में कभी भी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। बस आपका वायरिंग जो है सही रहना चाहिए। आप न्यूट्रल में भी काला तार के जगह पर लाल तार का यूज कर सकते हैं और फेज में भी लाल तार के जगह पर काला तार का यूज कर सकते हैं। तार का कलर जो होता है वह सिर्फ पहचान के लिए ही होता है, लेकिन अगर आपको सही नियम से बोर्ड का वायरिंग करना है तो आप फेज में लाल तार यूज कीजिए, न्यूट्रल में काला या फिर नीला तार यूज कीजिए और ग्राउंड अर्थिंग में हरा तार यूज कीजिए। और अगर आपको एक ही कलर के तार से बोर्ड का वायरिंग करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने इस बोर्ड का वायरिंग एक ही कलर के तार से किया है। आपके पास अगर एक ही कलर का तार है तो आप उस एक ही कलर के तार से अपने घर के सभी बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों।